चलो तो भैया ऑडियो वीडियो चेक करिए लेट्स स्टार्ट हेलो 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 फटाफट सारे कनेक्ट हो जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट वेरी 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 गुड आफ्टरनून चलिए फटाफट आपके दोस्तों को बता दीजिएगा कि सर इज लाइव टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यू नो इट स्क्रीन पे दिख रहा है चलो ओके okay. चलो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्या मैं शुरू कर सकता हूं दोस्तों सर कल क्यों नहीं हुई थी क्लास एक्चुअली मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी मेरा गला जो है वो काफी कुछ दिनों से दर्द कर रहा है तो कपल ऑफ विजिट्स और होंगे बीच में बट ठीक है द शो मस्ट गो ऑन है कि नहीं बच्चों बिल्कुल सर शो मस्ट गो ऑन चलिए तो आज के लेक्चर्स के लिए शुरुआत करते हैं अरे अभी तक सिर्फ नाइनटी सिक्स व्यूअर्स हो गए यार किधर है बाकी पब्लिक बुलाओ रहे आपके दोस्तों को जल्दी जल्दी मैंने क्या बोला रोज आने का ऐसे लाइव मस्त है एकदम हाँ हंड्रेड हो गया सेंचुरी और चाहिए और मंगता है मेरे को चलो लेट्स स्टार्ट गाइस सर माइक्रो इकोनॉमिक कब से स्टार्ट होंगे यस yes, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा मैंने डे वन पे कहा था कि ऐसा आपका बैलेंस सिलेबस चलेगा माइक्रो 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 ऐसा ठीक है ना टेंशन नहीं लेने का ओके okay. चलो लेट्स स्टार्ट ओके हाय गाइस गुड आफ्टरनून कैसे हो आप लोग सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे यस सब दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो चलिए दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस बेहतरीन और खूबसूरत से टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं भाई कि भाई प्राइस बदलेगी आ, प्राइस प्राइस बदलेगी डिमांड भी बदलेगी सर इनकम बदलेगी डिमांड बदलेगी एडवर्टिजमेंट पे खर्चा चेंज करेंगे सर डिमांड बदलेगा मतलब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बदलेगा सर डिमांड बदलेगा मतलब आप समझिए कि अगर जो फैक्टर्स है क्या बोल रहा हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अगर ये फैक्टर्स चेंज हो गए बराबर देन देर विल बी वॉट देन देर विल बी देन देर विल बी चेंज इन वॉट डिमांड सो सिंपल ट्रेंगल मतलब क्या होता है चेंज ट्रेंगल मतलब क्या होता है चेंज तो अगर सर जी फैक्टर्स चेंज हो गए तो डिमांड भी चेंज होगी सही है एकदम यस yes. सर तो ये जो चीज है ना इसको अपन क्या बोलते हैं ये सेंसिटिविटी को मेजर करना बराबर सो बाय हाउ मच बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हाउ मच बाय हाउ मच तो ये हाउ मच पता करने के लिए जो हम लोग मच मच करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी आप समझिए देर आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड अगर वो फैक्टर्स दोस्तों चेंज हो जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड अगर चेंज हो जाती है तो देन देर विल बी चेंज इन डिमांड वो कितने से बदलेगी वो कितने से ढूंढने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर वी गुड आर वी गुड यस सर एकदम एकदम सिंपल है तो ऐसा हमने देखा यहाँ पे तो ये इधर जो है ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये यहाँ पे इलास्टिसिटी को लेके जो है ये यहाँ पे सर जी इंट्रोडक्शन है जो हमने एकदम सिंपल से लाइन में उसको हमने फिनिश कर दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है ना सो so, यहाँ पे आते हैं हम लोग और उसका जो डेफिनेशन है इसके ऊपर जरा हम लोग फोकस करते हैं इधर ध्यान अपना लेके आते हैं आ जाओ सारे यहाँ पे इधर जरा फोकस करते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फुल पावर ध्यान देने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू गुड ऑफ अ गुड चेंजेस ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल ऑन विच द डिमांड डिपेंड्स तो कितने से आपकी डिमांड बदलेगी अगर वो जो फैक्टर है वो अगर फैक्टर चेंज हो गया तो मोर प्रिसाइसली इट इज वॉट वी सेज इन दमोडिटी डिवाइडेड बाई द परसेंटेज चेंज इन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द डिमांड ठीक है ना मतलब इसका फॉर्म्यूला जो है इसका फॉर्म्यूला जो है ये फॉर्म्यूला का है बच्चों सो so, फॉर्म्यूला क्या है इसका आइए जरा अपन समझते हैं तो आपको जैसे मैंने कहा कि अगर वो जो फैक्टर है वो फैक्टर अगर चेंज होगा तो डिमांड बदलेगी तो डिमांड किस वजह से बदलेगी फैक्टर के वजह से तो डिमांड किस वजह से बदलेगी बेस क्या है सर डिमांड किस वजह से बदलेगी वो फैक्टर चेंज होगा उसके वजह से तो अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है इट इज चेंज इन डिमांड बराबर के लिए. ड्यू टू वॉट देर इज अ चेंज इन डिमांड बट ड्यू टू वॉट चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ड्यू टू चेंज इन वॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझ में आए आपको सो so, यह जो है ये अपना फॉर्मूला यहां पर बन जाता ये पे ये formula है ये यहां पर यह फॉर्मूला है सो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉट डिमांड क्लियर है एकदम बात यस yes, सर बिल्कुल सिंपल है सो so, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि अलग अलग इलास्टिसिटी हम लोग को देखने को मिलेगा तो एक होगा अपना कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी फिर सेकंड अपन बात करेंगे अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ठीक है फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी फिर अपन बात करेंगे अबाउट एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी फिर उसके बाद अपन बात करेंगे प्राइस हो गया इनकम हो गया क्रॉस हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया फिर अपन बात करेंगे अबाउट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी मिड पॉइंट इलास्टिसिटी फिर इसके बाद अपन बात करेंगे सिर्फ पॉइंट इलास्टिसिटी So, इतने सारे अलग अलग तरीके के क्या है दोस्तों इलास्टिसिटीज है सही है एकदम मजा आ गया सर एकदम सो ये इलास्टिसिटी ये इलास्टिसिटी ये इलास्टिसिटी ये इलास्टिसिटी ये इलास्टिसिटी और ये इलास्टिसिटी ऐसे तरह तरह के इलास्टिसिटीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर्मूला का जो बेसिक जो रहेगा दोस्तों वो सेम रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट डिमांड तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा दोस्तों क्लियर एकदम यस yes, सर सो so, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं सो देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी वी कैन सी ओवर यर सो व्हाट ऑल दीज इलास्टिसिटीज आर डियर फ्रेंड्स प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्ट्रिसिटी इनकम इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इलेट्रिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन दैट इज क्रॉस इलास्ट्रिसिटी तो ऐसे अलग अलग टाइप के इलास्ट्रिसिटी हम लोग को इस टॉपिक में यहाँ पे देखने को मिलेंगे ध्यान में, में रखना अनलेस एंडिल अदरवाइज वी टॉक ओनली ऑफ वॉट प्राइज इलेटी ऑफ डिमांड जब तक साले तरह को बोला नहीं जाए कौन सी इलेस्ट्रिसिटी की बात हो रही है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों बताओ कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वेरी गुड वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट वॉट द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड चलिए यहां से आगे बढ़ते प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विस्तार में जरा चर्चा करेंगे यहां पे लेट्स अंडरस्टैंड यू गाइस रेडी नाउ अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए एकदम फुल पावर जरा इसको रॉक करते हैं ठीक है ओके okay. मजा आना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इलेस्ट्रिसिटी इज द प्राइज इलेस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट इलेस्ट्रिसिटी जो है दोस्तों वो है प्राइज इलेटी बहुत अच्छे से आराम से पढ़ाऊंगा यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमरिकल्स आएंगे आपको सो so, कहता है विच मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू इट्स ओन प्राइस खुद की प्राइस चेंज होगी डिमांड तो कितने से चेंज होगी वो मेजर यहां पे प्राइस से किया जाएगा नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे इंपॉर्टेंट एड हुए जिसके वजह से अपने लिए टॉपिक्स पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना माइक्रो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है ध्यान से समझना तो ये कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस ये दो रीजन कौन से है जिसके वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बराबर द नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ नेचर एंड द डिग्री ऑफ प्राइजलेसिटी अलाउज द फर्म टू प्रेडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस ऑन इट सेल्स कि कितना डिमांड पे इम्पैक्ट होगा कितना सेल्स पे इंपैक्ट होगा वो आपको समझ में आएगा ठीक है एंड नंबर टू इट गाइड्स द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजन So, दो बातें यहां पे क्या है कि अपना एक बात हो रही है अबाउट इम्पैक्ट ऑन सेल्स ठीक है एंड दूसरा वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट प्राइसेस ये दो बातें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है ना तो इस वजह से हमें प्राइस इलास्टिसिटी ये कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है समझ में क्या बच्चों यस सर तो उसके बाद इसका फॉर्मूला जो है ये हमारे लिए बहुत आसान है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसके दो रीजन आपको समझ में आ गए हैं कि काहे प्राइस इलास्टिसिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत बढ़िया तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं और अब इसके फॉर्म्यूला के बारे में बात हैं तो हमने क्या बोला था अपने को चाहिए चेंज सो डिमांड में चेंज होगा किसके वजह से प्राइस तो so, यहां से इसका फॉर्मूला आगे बढ़ता है और वो है सिर्फ चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस नहीं चाहिए हमें चाहिए परसेंटेज में सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट प्राइस तो इसको अगर अपन फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर बताओ इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ओपन करेंगे तो मजा आ जाएगा यहां पे फॉर्मूला क्या होगा न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय बोलो ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय बताओ बच्चों न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू वॉट इंटू वॉट हंड्रेड इंटू वॉट हंड्रेड सो ये जो फॉर्म्यूला है ये यहाँ पे अपना बन जाता है ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी है फॉर्मूला फॉर प्राइज इलेक्स्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो यहां पर आपको ये जो फॉर्म्यूला है उसका आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ये पूरा उसका डिटेल्ड जो फॉर्मूला है ये इधर रहा है ठीक है सो वॉट्स द फॉर्मूला गाइज एवरीबडी फॉर्म्यूला न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाई हा तो ये जो है दोस्तों ये फॉर्मूला अपना बन जाता है अबाउट वॉट द प्राइज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से आगे जो है डिस्कशन चलता है अपना वो किसके बारे में बात होगी कि इसका जो आंसर है अपने को इसका आंसर जो है दोस्तों ये फॉर्मूला से अपने को कौन से कौन से आंसर आएंगे बताओ क्या क्या आंसर आएगा अपने को बताओ तो सर इस फॉर्मूला से अपने को जो आंसर आएगा वो होगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट इनफाइनाइट

एंड फिर उसके बाद आखिरी में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सो सर इट इज परफेक्टली इलास्टिक सही है एकदम यस yes, सर तो ये जो है अलग अलग जो टाइप के इलास्टिसिटीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आइए बच्चों कुछ मैं बात बोल रहा हूँ उसके बारे में आप सुनिए यहां पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई ऑफ इलास्टिसिटी कैसा होगा बोलो 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 को कैसा होगा रे दोस्तों कोइफिशंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसा होगा कैसा होगा कोइफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते क्यों नहीं चुप चुप क्यों हो भाई क्या हो रहा है आपको सो कोई ऑफ इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी वॉट इज इक्वल टू वॉट नेगेटिव बहुत नेगेटिव बहुत नेगेटिव वाई सर नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए फॉर सिम्प्लिसिटी फॉर द परपज ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर द परपज ऑफ पर्पस ऑफ कन्वीनियंस कन्वीनियंस कन वी नियंस वी इग्नोर नेगेटिव साइन हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं समझा गया बात को यस फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं उस नेगेटिव साइन को हम जो है दोस्तों इग्नोर कर देते हैं बस ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे आप जाने दो कुछ नहीं बोलूंगा फिर आप हर्ट हो जाओगे कोई बात नहीं जैसे वो आपको इग्नोर करती है वैसा ही ठीक है ना ओके समझिए बात को ये हो गया यहां पे अपना प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला क्या होगा न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल्ड ओल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इन इन स्वाहा इसके जो आंसर अपने को मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू लेस देन वन इक्वल टू वन इनफाइनाइट हमेशा कोई फिशेंट जो होगा वो उसका नेगेटिव आएगा बट फॉर द पर्पज ऑफ हम लोग क्या करेंगे उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे ओके ओके सो ये यहां पे फॉर्मूला है और ये पूरा पूरा जो है ना वो डिटेल्स में आपको दिया है ये क्या बोलता है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी द मोर सेंसिटिविटी टू द प्राइस द वैल्यू ऑफ प्राइस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू अप्रोच जीरो बराबर है कि नहीं This is because it has change in Q and change upon P has a negative sign. In other words, since price and quantity are inversely related with few exceptions, price elasticity is what negative. Barabar ke ni? While interpreting coefficient of price elasticity, only the magnitude of price elasticity, that is absolute size. Barabar for example, if EP is minus 1.22, we say that elasticity is 1.22. ये बोलते हैं द दैट इज वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसीडर द ओनली न्यूमरिटिक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या नहीं समझ में आ रहा है ये सब ये सब आपको इजी है एकदम समझ में आ गया एकदम ये सो so, ये ऐसा आपको समझ में आता है कि कोई हमेशा नेगेटिव रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी का बट हम लोग उसका नंबर जो लेते हैं इन वॉट ये एमसीक्यू में वर्ड आएगा आपको इन एप्सोल्यूट साइज तो वो एब्सोल्यूट साइज में हम लोग नंबर ले रहे हैं और हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं समझ में आया आप सबको यस सर सो आपको ये माइनस से जीरो का जो सफर है उसमें आपको उस सफर में माइनस साइन को इग्नोर करना है सही है एकदम यस yes, सर तो ये ऐसा न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन आपको दिया गया है आपको ऐसी एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे न्यू डिमांड न्यू प्राइस छ चार दस पंद्रह बराबर के नहीं सो so, ऐसा आपका चेंज इन प्राइस क्या हुआ टू डिवाइडेड बाय नहीं चेंज इन क्वांटिटी इज वॉट फाइव डिवाइडेड बाय टेन होल डिवाइडेड बाय टू फ्रॉम सी टू बाय सिक्स ऐसा आएगा वो आपका ठीक है सो so, ऐसा आपको उसको सॉल्व कर देना है इसका सिंपल सिंपल इलिस्ट्रेशन वन फॉल इन प्राइस बाय फिफ्टीन परसेंट लीड्स टू फिफ्टीन परसेंट राइज इन डिमांड तो परसेंटेज है फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू थ्री द डिमांड इन क्वेश्चन इज इलास्टिक बराबर ऐसे आपको एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते जाएंगे आपको दिस इज सिंपल आ जाएंगे ना ये क्वेश्चंस तो सही है ना एकदम एकदम बेस्ट है सो so ऐसे अलग अलग आपको देखो क्वेश्चन में आएगा कंज्यूमर बाइज एटी यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस फोर बराबर सपोज द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस फोर प्राइस डिटरमिनेशन के लिए तो ऐसा आपको बस उसके अंदर फॉर्मूला में डालने का है और आपको आंसर निकालने का है समझा क्या बात को इजी एकदम चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों यस अभी अपन चलते हैं प्राइस इलेक्स्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया प्राइस इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी दिक्कत है क्या आपको नहीं मैं क्या कर रहा हूं प्राइस इलेक्ट्रिटी के साथ साथ चलो एक काम कर लेते हैं इसके डायग्राम भी पे आपको बता दू चलो इधर डायग्राम्स की बात कर लेते हैं अपन तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी अपने को सो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के डायग्राम्स की बात करेंगे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा आप उसको अपन गेम खेलेंगे चलो अपन एक गेम खेलेंगे मेरे पास एक ही मौका है अच्छे से खेलना उसको ठीक है मैं डायग्राम बनाएगा और आप मुझे बताएंगे डायग्राम किसका है बराबर के नहीं चलिए तो अभी जो है बच्चों ऐसा अगर डायग्राम बनाओ डिमांड का दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है ये ऐसा टॉवर किसका है ये डिमांड कर्व विच इज पैरल टू यस इसको क्या बोलेंगे अपन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वट जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो बराबर के नहीं। मतलब अपन ये चेक करने का तो लाइन मार के देखेंगे प्राइस पी वन है तो भी क्वांटिटी उतना और लाइन मारने का है, प्राइस बढ़ा दो देखो आप क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही है तो प्राइस बढ़े या घटे डिमांड रहेगा उतना ही उतना उसको बोलेंगे क्या दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक मजा ही आ गया सर इसमें अब उसके बाद चलिए दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसा डिमांड कब बनाऊंगा ना ऐसा डिमांड कब बनाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे बता बेटा ये डायग्राम किसके लिए इसको क्या बोलेगा तू तो? इस डिमांड कर्व को क्या बोलेंगे बता रहे लाइन मारू मैं आपके लिए मैं मारू आपके लिए लाइन सालो चलो मैं मारता हूं आपके लिए लाइन ये प्राइस और ये क्वांटिटी है यहां पे दिख रहा है आपको फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये प्राइस और क्वांटिटी बोलो भैया इधर क्या हो जाएगा इधर का गैप देखो इसको क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी इज वॉट इलास्टिसिटी इज वॉट इक्वल टू वन कौन है मेशवा पटेल भाई साहब एधर से आ रहे क्या बोल रहे भैया इसको क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी लेस देन वन ग्रेटर देन वन अरे देखो भैया इधर क्या हुआ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू जीरो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इधर क्या दिख रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या हुआ रे इट इज लेस देन वन क्या कर रहे हैं इसे इसको बोलेंगे लेस देन वन ये हुई ना बात बहुत सही उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं अभी ये डायग्राम इसका बता दो इट इज अट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस प्राइस क्वांटिटी यो बॉय कम ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या दिख रहा है आपको यहां पे इधर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसको क्या बोलेंगे दोस्तों इधर बोलेंगे यूनिटरी इज इक्वल टू वन खत्म डायग्राम ये मार्केट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन फटाफट इलास्टिसिटी रिवाइज करना चलो सो so, इधर बताओ बच्चों ऐसा फ्लैटर है फ्लैटर सो so, इधर क्या हो जाएगा बताओ यार दिस इज द प्राइस दिस इज द क्वांटिटी दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी बोल बेटा यहां पे क्या नजर आता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस सो इसका क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी इज वॉट वेरी गुड बहुत अच्छा बोल रहे हो आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर देन वन बहुत बहुत खूबसूरत अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट डायग्राम ये अलग अलग डिमांड कर्व्स है दोस्तों और ये डायग्राम ऐसा है पैरेलल टू व्हाट पैरेलल टू एक्सिस इसमें क्या बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज वॉट इनफाइनाइट विथ वॉट द स्लाइटेस्ट चेंज इन वॉट द प्राइस इसको क्या बोलेंगे अपन सर इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट इनफाइनाइट इसको क्या बोलेंगे अपन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट इनफाइनाइट तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग जो डिमांड कर्व्स है ये हम लोग ने यहाँ पे देखी है कितना मस्त है तो so, इसको क्या बोलेंगे अपन हरेक का और डायग्राम का कैसा फंडा है वो भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट है दिस आल्सो एंड दैट आल्सो और इन सब का रेफरेंस अगले पांच चैप्टर्स में भी है सो so, ध्यान देना है आपको सो so, इसका डिमांड कब क्या बोलेंगे अपन इट इज पैरेल टू पैरेल टू वाई एक्सिस दिस इज क्लोजर पास आओ ना क्लोजर टू वाई एक्सिस दिस इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस दिस इज अवे फ्रॉम वाई एक्सिस दिस इज पैरल टू एक्स एक्सिस क्या बनाया है सर टाइगर इधर के इधर खत्म सर मजा ही आ गया है ठीक है So, इसको पब्लिक क्या बोलता है दिस इज स्टीपर दिस इज लेटर सो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या यहां पे आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल नंबर डायग्राम जमा क्या ये जमा क्या ये कितना मस्त है इलास्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फुल कॉन्फिडेंस कम ऑन गाइस शो सम एनर्जी एनर्जी यस तो ये अपन यहां से आगे बढ़ सकते हैं यहां से आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर अभी मेरे प्यारे बच्चों अपन चलते हैं किधर पॉइंट पे आते हैं सीधा पॉइंट पे आओ ना। आ जाओ प्राइस इलास्टिसिटी के बाद अब हम लोग सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे अभी पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब क्या है आप समझिए बात को यहां पे जब चेंज जो है ना बराबर के नहीं वेन द चेंज इज वॉट अपने को डिमांड पे बराबर के नहीं वेन प्राइस चेंज इज वेरी स्मॉल एक दम से चीन टू तो छोटा एकदम छोटा सा चेंज है और वेज चेंज इन वेरी स्मॉल एंड वी वांट टू तो इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन अ डिमांड तो ऐसे केस में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा पॉइंट इलास्टिसिटी जब छोटा है क्या प्राइस चेंज एन द प्राइस चेंज इज स्म द प्राइस चेंज इज स्मॉल ठीक है ना तो वो जो प्राइस चेंज अपने को फाइंड आउट करना है उसका डिमांड पे जो इफेक्ट है वो अपने को चाहिए तो वो इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो होगा पॉइंट इलास्टिसिटी रिंदा जी ये मैं पीडीएफ जो है ना एक बार बस चैप्टर देखो अभी पच्चीस पेज खत्म हो गए पच्चीस पेज बाकी है पच्चीस पेज खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ यही मार्क पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे सो यू डोंट वरी बेटे है ठीक है ना तो आप उसको ज्वाइन कर लेना बस टेलीग्राम चैनल कौन सा है सर यहां पे हम सब बातें करते रहते इसके बारे में सो so ये वो टेलीग्राम चैनल है इसे आप स्कैन कीजिएगा इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट जो आपको है वो यहां पे आपको मिलते जाएगा वो ठीक है ना इंटर में आओगे तो इंटर का कंटेंट भी पे मिलेगा फाइनल में आओगे तो फाइनल का कंटेंट भी यही मिलेगा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द सब्जेक्ट दैट आई टीच इज चलिए सो लेट्स गो नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो so, यहां पे आपको ये क्या लिखा हुआ द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड का इट इज यूज टू चेंज इन प्राइस इनिटी कहा भैया इसने कौन प्रोनाउंस करके बता सकता है मेरे को बताओ मैं उसको है ना एक रुपया दूंगा इन्फिनिटिसमल इन्फिनिटिम इन्फिनिटीमल समझा गया बात को इन्फिनिटिसमल आहा सर इसका मतलब क्या होता है इन्फिनिटिसमल इन कसला भारी वर्ड इनफी इन्फिनी टी मल मीनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल चुपचाप लिख देते ना बे चुपचाप लिख देते ना बे कि इन मतलब क्या ना यार इन्फिनिट मतलब वेरी स्मॉल बहुत छोटा बहुत छोटा

एक लाख रुपए में ये मोबाइल फोन एक लाख रुपए में ये मोबाइल फोन जो है अपन बेच रहे हैं अब ये जो कंपनी वो चाह रही कि भाई साहब अगर मैं इस मोबाइल फोन का प्राइस एक लाख पांच रुपए कर दू भाई साहब डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा मतलब एक लाख रुपए से एक लाख पांच रुपए मुझे ये प्राइस करना है ओह माय गॉड एकदम टेंशन आ रहा है तो भाई इसका तो मजा ही मजा एक लाख एक लाख पांच सॉरी एक लाख पांच तो मजा ही मजा टका टक तक एकदम भाई कोई कोई दिक्कत ही नहीं सो क्या भाई ऐसे नो इम्पैक्ट नहीं उसका वो जो इम्पैक्ट फाइंड आउट करना है ना डिमांड कर्व पे तो उसके लिए टू मेजर दिस चेंज ये एमसीक्यू में आपने ध्यान में रखना है कि आपको ये चेंज जो फाइंड आउट करने के लिए ठीक है ना ये चेंज जो आपको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में यहां पे आपको जो इलास्टिसिटी यूज करनी है वो आपको एकदम मजा ही मजा क्या यूज करना है अपने को इधर यहां पे? सो यर वी हैव टू यूज वॉट पॉइंट इलास्टिसिटी क्या यूज करना है पॉइंट इलास्टिसिटी क्लियर है क्या एकदम यस सो पॉइंट इलास्टिसिटी एकदम मार्जिनल मॉल चेंज ठीक है ना इकोनॉमिक्स यूज द वर्ल्ड इलेस्ट्रिसिटी टू रेफर द पॉइंट सो इस पॉइंट पे आपको क्या चेंज है वो कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट इलेस्ट्रिसिटी यूज करते हैं गॉट इट सो क्या समझाना पॉइंट इलेस्ट्रिसिटी इज यूज टू असर्टन द चेंज विच इज इन्फिनिटी सिमल इन्फिनी टीसीमल बहुत बढ़िया मजा आ गया एकदम चलिए अभी ये वाला देखो एकदम भारी है मेजरमेंट ऑफ इलेक्स्ट्रिसिटी अनियर डिमांड कर्व जियोमेट्रिक मेथड जरा वॉइस क्लियर नहीं वॉइस प्रॉब्लम क्या हुआ चलिए अभी क्या समझना पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू असर्टन द चेंज विच इज इंफिटीसी मल देखो सही है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लीनियर डिमांड जियोमेट्रिक मेथड जरा हाँ बे वो थोड़ा और आए ना वो वो एक्चुअली बाजू में जो है ना मेरे स्टूडियो के बाजू में आज वो कुछ तो भी काम चालू है वो रास्ते का तो उसके वजह से वो इम्पैक्ट है वो इतना साउंड सेपरेशन है वो लगा के आज वो तो ड्रिलिंग चालू है ना रास्ते का अभी इलेक्शन कमिंग सो वर्किंग फास्ट That is why. Okay, चलो अभी आवाज सही है एकदम चलो बात करते हैं अभी यह इम्पोर्टेंट है सो so, इसके ऊपर देना नया है एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना मेजरमेंट ऑफ इलास्ट्रिसिटी ऑन ए लिनियर डिमांड कर्फ जोमेट्रिक मेथड फोकस करना है इसके ऊपर प्राइज इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड Is a change in the quantity associated with change in price. That is change in Q upon change in P geometrically. The ratio is basically price upon what? Times the ratio of the price to quantity. You formula gaya? it is change in Q upon change in P times the ratio of price to quantity. ऐसा यहां पे ये लिखा है इसका मतलब आप समझिए बात को ये जो उन्होंने कहा है इसका मतलब मैं आपको बताता हूं अपन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऐसा लिखते क्या यस सर सो अभी इसको क्या करेंगे यह चेंज हो जाएगा कैसा सो दिस विल बी चेंज इन क्वांटिटी दैट इज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड दट इज क्यू उसके बाद यह हो जाएगा कैसे तो दिस विल भी सर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस पी ऐसा लिखते हैं अपन सो so, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको चेंज इन अपॉन ठीक है टू पी चेंज इन पी ऐसा उल्टा हो जाएगा वो सो दैट इज इक्वल टू अब आगे बढ़ते हैं लास्ट दैट इज इक्वल टू वो क्या हो गया तो क्या हो गया यहां पे अभी सो इट विल बी चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू ऐसा सो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी ये रहा आपको दिखा यहां पे टाइम्स दैट इज मल्टीप्लाई द क्वांटिटी पी क्यू समझा गया बात को सो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन क्यू क्या मेरे प्यारे बच्चों ये आपको इक्वेशन समझ में आया है? कैसे आया ये क्या होता है बहुत सारी चीजें फिर आप क्या होते हो ब्लैंक हो जाते हो फिर ये सर कैसे आए ये पता ही नहीं चलता आपने को समझ में आया आपको सो देर फॉर द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड नॉट ओनली डिमांड डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व but also it depends upon what the price and quantity so the price elasticity of demand price elasticity of demand depends not only on the slope of demand curve but also on the price and quantity the elasticity therefore varies along the curve the elasticity varies along the curve as price and quantity change so jaisa price or quantity change hote jayega ke nahi vaisa, vaisa kya the elasticity along the demand curve will also undergo a change. Clear, yes, sir. Clear, the slope of a linear demand curve is constant, the entire slope is constant. Ye baat dhyan mein rakna. The slope of linear demand curve is constant, however, the elasticity.

चेंज होते जाएगा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलास्टिसिटी आपको मिलते जाएगी सो so, कहीं इनफाइनाइट होगी तो कहीं ग्रेटर देन वन होगा तो कहीं इक्वल टू वन होगा कहीं लेस देन वन होगा और कहीं जीरो होगा समझा बात को? क्लियर है क्लियर है सो so, ऐसा वो बोल रहा है वेन द प्राइज इज हाई एंड क्वांटिटी इज स्मॉल द इलास्टिसिटी इज हाई आप समझ रहे बात को जब प्राइज ज्यादा होगा इधर फोकस करिएगा सब लोग वेन द प्राइज इज हाई प्राइज इज हाई वेन द प्राइज इज हाई दो बार लिखा है प्राइज इज हाई एंड क्वांटिटी इज स्मॉल

तो क्या होते जाएगा इलास्टिसिटी स्मॉलर क्योंकि जैसे प्राइस कम होते जाएगा क्वांटिटी बढ़ते जाएगा और फिर कितना प्राइस कम होगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा तो फिर वो इलास्टिसिटी कम कम होते जाएगा ऐसा समझ में आया तो आपको ये वाला जो डायग्राम है ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉइंट पे क्या इलास्ट्रिसिटी रहेगा और उसका फॉर्मूला क्या बनता है फिर लोअर सेगमेंट लोअर सेगमेंट भैया लोअर सेगमेंट अपॉन वॉट अपर सेगमेंट ऐसा क्लियर एकदम ठीक है यस दिस इज जोमेट्रिकली वी कैल्कुलेट वॉट वी कैलकुलेट वॉट द इलास्टिसिटी तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी से इलास्ट्रिसिटी डिटरमाइन नहीं होती है इट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट प्राइस एंड क्वांटिटी तो जैसे जैसे देखो एक डिमांड कर्व पे आपका इलास्टिसिटी फिक्सड रहेगा बट जैसे जैसे प्राइस और क्वांटिटी चेंज होते जाएगा ये पी अपॉन क्यू चेंज होते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा आपका जो इलास्टिसिटी है वो भी चेंज होते जाएगा ठीक है ओके चलिए लेट्स प्रोसीड फ्रॉम आर इलास्टिसिटी की बात करेंगे अभी आर इलास्टिसिटी को दोस्तों मिड पॉइंट इलास्टिसिटी से भी जाना जाता है आर्क इलास्टिसिटी इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट इलास्टिसिटी बीच का बंदर मिड पॉइंट इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी इज ऑल्सो नोन एज वॉट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी अभी ये मिड पॉइंट इलास्ट्रिसिटी कब यूज होता है वेन चेंज इन प्राइस इज लार्जर और इज ह्यूज़ ह्यूज़ बराबर के नहीं देन टू इवेल्युएट इफेक्ट ऑन डिमांड हम यूज करते हैं मिड पॉइंट इलेस्ट्रिसिटी समझा गया बात को सो so, जब आप समझिए आर्क इलेट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं जब चेंज बहुत ज्यादा है चेंज इज लार्ज और ह्यूज चेंज कैसा है लार्ज है या ह्यूज है तो उस समय पे हम लोग आर्क इलेट्रिसिटी या मिड पॉइंट इलेस्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं समझा गया बात को पॉइंट इलास्ट्रिसिटी कब यूज करते हैं जब चेंज जो है वो स्मॉल है तो उसका जो चेंज होता है वो स्मॉल तो वो हम लोग क्या यूज करते हैं पॉइंट इलास्ट्रिसिटी अभी क्या होता है ना पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी में आप समझिए हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत लार्ज है तो इसीलिए एक मिडल पॉइंट अपने को चाहिए तो अपन क्या करते हैं इसका फॉर्मूला बताओ बच्चों चलो चलो रिवीजन चालू है कम ऑन एवरीबडी तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना तो दम्यूला इज न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड by टू होल डिवाइडेड बाय न्यू price माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू price प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड by टू ये टू टू कट हो जाता है बचपन में ये वाला टू और ये वाला टू कट हो जाता है इसीलिए जब इंस्टीट्यूट के फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मूला सिर्फ क्या दिखता है ये वाला दिखता है फॉर्मूला ओनली दिस फॉर्मूला क्योंकि ये जो टू टू है ये कट हो जाता है अपने को मिड पॉइंट चाहिए क्लियर है एकदम सो दिस इज मिड पॉइंट इलास्टिसिटी सो क्या कहता है देर इज अ द प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस आर डिस्क्रीट चेंजेस आर डिस्क्रीट एंड लार्ज वी है दिमाग में रखना है इनफिनिटिस है तो पॉइंट इलास्टिसिटी डिस्क्रीट एंड लार्ज है तो ओवर एंड आर्क ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट इलास्ट्रिसिटी बराबर के नहीं दो पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी होगी बराबर है तो एक बीच में का इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए वी टेक व्हाट एवरेज ऑफ द टू प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर टेकन द मिड पॉइंट फार्मूला इज एन एप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल परसेंटेज चेंजेस इन वेरिएबल बट एडवांटेज ऑफ कंसिस्टेंट इलास्टिसिटी तो फिर भाई प्राइस कम हो या ज्यादा हो इलास्टिसिटी अपने को जो है वो एक ही मिलेगा ठीक है ना सो व्हेन इट इज टू बी फाउंड बिटवीन टू प्राइसेस This is what we use is the arc elasticity. Clear aegdam? Yes sir. Yes sir. The arc will always lie somewhere but not necessarily between the point elasticities calculated at the lower and higher prices. Obviously it will be between the two. Thiga na aegdam? Yes sir. Now interpretation. Jo already complete kar liya hai interpretation. ke ne? सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो इलास्टिसिटी इज वन ग्रेटर देन वन लेस देन वन इनफाइनाइट क्या ये हमने कर लिया था क्या इसको यस सर सो इसको क्या बोलेंगे अपन नो चेंज एट ऑल सो इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ठीक है इसको क्या बोलेंगे वन इज यूनिट इलास्टिक डिमांड इसको क्या बोलेंगे अपन रिलेटिवली सेंसिटिव सो इट इज इलास्टिक डिमांड लाइन इज फेयरली फ्लैट ग्रेटर इट इज फेयरली वॉट फेयरली फ्लैट लेस देन फेयरली स्टील ठीक है सो इट इज इट इज इट इज सेट टू बी इन इलेस्टिक डिमांड एंड इनफाइनाइट बराबर सो इट इज अरिजोंटल एट द प्राइस लेवल ठीक है ना कि जरा सा क्या चेंज हो जाएगा डिमांड बहुत सारा बहुत सारा चेंज हो जाएगी क्लियर है एकदम यस yes. ये इसका यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है टर्मिनोलॉजी ये आपको एनालिसिस ये आपको रीड करना है यस yes. सो so, यहां पे अपने ये सारे मेथड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं ये आपको रीड करना है ये ये बेसिक इंटरप्रिटेशन दिया है आपको समरी है ये सो यू हैव टू रीड दिस फॉर होमवर्क समरी है ये ये भी आपका न्यूमेरिकल है ये यू हैव टू रीड दिस इंटरप्रिटेशन चलिए तो यहां पे जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के कौन से कौन से मेथड्स हो गए प्राइस इलास्टिसिटी हो गया पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया मिड पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया डायग्राम देखे हमने उसका इंटरप्रिटेशन हमने सीखा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यह हमने इस एक घंटे भर में कवर किया अभी जो है अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ठीक है जो मैंने आज आपको लेक्चर में कहा था तो मैं आपको कल के लेक्चर के बारे में टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा मैं ठीक है रहेगा मोस्टली दो बजे ही आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कल भी मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो वो हिसाब से आई विल कम एंड टेक द लेक्चर बट डेफिनेटली वी विल बी हैविंग आर लेक्चर्स ठीक है ना कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन राइट ना बच्चों यस yes, सर सो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा इतना सब कुछ ठीक है यस सर आपका स्टूडियो दिखाओ ना स्टूडियो का, का मतलब स्टूडियो ऐसे क्या दिखेगा तू तो? गरीब का स्टूडियो है वे दिखाओ तेरे को स्टूडियो ये ऐसा कैमरा है ये इधर फाइल्स है ये इधर बैक स्क्रीन है मैं हूँ ये ये ग्रीन स्क्रीन है ये यहाँ पे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे माइक ऐसा ये स्टूडियो है <laughs> ठीक है खुश हैपी चल थैंक यू वेरी मच बाय बाय बस रोज ऐसे ही आपके साथ अभी बैठ के इधर लेक्चर लेने का है बस कंटिन्यूस मजा आता है आपके साथ चलो बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सी यू टूमोरो कल और पढ़ाई करेंगे तूफान जो भी आपके दोस्तों ने आज का लेक्चर मिस किया उन्हें उठाओ पकड़ो उन्हें बोलो ऐसा करने, करने। आज पचास बच्चे छुट्टी मारे हैं आज ठीक है ना ऐसा अलाउड नहीं है ठीक है चलो बाय बाय गाइस टेक केयर